सो हे गाइस, मेरा नाम है माधव। तो सबसे पहली न्यूज की बात करते हैं जो कि ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो उन्होंने अपनी नई वीडियो के बारे में बताया कि वो स्केच वीडियो होने वाली है एंड उनके चैनल पर पहली बार ऐसी कोई वीडियो आने वाली है। तो इसके रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। हे गाइस, सो द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी रियली बिग। इट इज द फर्स्ट प्रोफेशनली मेड स्केच वीडियो ऑफ माई चैनल, मीनिंग आशीष भाई स्टाइल की वीडियो। दिस इज द फर्स्ट वन एंड आई एम अ लिटिल नर्वस। वीकेंड पे आएगी, तो नीड यू गाइस टू शो सम लव, कॉज कुछ हटके ट्राई किया है आउटसाइड माई कंफर्ट जोन। थैंक्स फॉर रीडिंग, सी यू इन द कमेंट सेक्शन सून। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि है इंस्टाग्राम के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पे एक ज्वाइन बटन है एंड बेसिकली उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है उन क्रिएटर्स को, एंड उसके बदले वो क्रिएटर्स आपको कुछ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट या फिर कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली गेमिंग क्रिएटर्स इसे ऑन ही रखते हैं। तो अब ऐसा ही एक फीचर ला रहा है इंस्टाग्राम जो कि क्रिएटर्स को एक इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, बट फिलहाल ये इंडिया में नहीं आया एंड US में इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो आउट हुआ है, तो उसमें से छोटा सा क्लिप आप लोग देख लो। This week we're launching our first version of subscriptions on Instagram. So this first version is a test here in the US, relatively small number of creators and three major integrations. The first is stories. So creators are going to be able to go live just to their subscribers and you can get exclusive access to those stories. They'll be marked with a purple ring so you know that it's just for you. The second is subscriber lives, so a creator can go live just to their subscribers. And the third is you'll get a subscriber badge, a little purple indicator, so the creator knows that you're a subscriber when they see you in comments, in DMs, or anywhere else across Instagram. नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी से रिलेटेड दो तीन न्यूज है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि कैरी मिनाटी का रोस्ट आ चुका है थारा भाई जोगिंदर पे। इस वीडियो पे उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जैसा कि आप देख सकते हो, बट ऑल्सो उनकी ये वाली वीडियो येलो डॉलर हो चुकी है। इससे रिलेटेड उन्होंने कॉमेंट भी करा अपनी वीडियो के नीचे, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ऑल्सो इसी वीडियो के अंदर कैरी मिनाटी एंड में काफी ज्यादा गुस्सा थे स्पैम कॉमेंट्स में। आप लोगों को पता ही होगा कि स्पैम कॉमेंट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक के बाद एक नया ट्रेंड आता है स्पैम कॉमेंट्स में और उसके बाद फिर वही लोग स्पैम करना चालू कर देते हैं। तो इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। ऑल्सो उन्होंने अपने कमेंट में भी इस चीज को मेंशन करा है जैसा कि आप देख सकते हो। वो है कमेंट सेक्शन का सब्जी मंडी बना रखा है, जितने भी स्पैम कमेंट है ना सबको रिपोर्ट मार। ऑल्सो अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है, मतलब बिल्कुल एंड तक, तो आपको पता होगा कि उसके एंड में डिस्ट्रैक है कैरी मिनाटी ने जो बनाया है। और पहले मेरे को लग रहा था कि वो जो गाना उन्होंने डाला है एंड में वो उनका कोई पुराने गाने में से कोई पार्ट है, बट ऐसा नहीं है, वो उनका नया गाना। अगर आप लिरिक्स ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलरली थारा भाई जोगिंदर के लिए उन्होंने बनाया है। एंड अगर वीडियो आप लोगों को देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। और हाँ, अभी तक थारा भाई जोगिंदर की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, छोटा सा भी एक स्टोरी तक नहीं आई है। जैसे ही थारा भाई जोगिंदर की साइड से कोई भी रिप्लाई आएगा तो आप लोगों को इस चैनल पे वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि एक यूट्यूबर के बारे में, गाय फ्रॉम मनाली। तो इन्होंने अपना एक रोड रेज का इंसिडेंट शेयर करा। तो एक कार में थे अपने फ्रेंड के साथ एंड लोकल वहीं मार्केट में जा रहे थे, तो इतने में सामने से एक रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है एंड ये बताते कि वो जो गाड़ी में लोग थे उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो इनका उनसे एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो फिर एक दूसरे को ये लोग अब्यूज लग जाते हैं, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है एंड फिर क्या होता है कि जो सामने वाली गाड़ी होती है जो रॉन्ग साइड से आ रहा होता है वहां से एक बंदा उतरता है एंड फिर गाय फ्रॉम मनाली का भी फ्रेंड उतरता है जो उनके साथ आया होता है एंड सामने वाला बंदा गाय फ्रॉम मनाली के फ्रेंड को मारने लग जाता है। एंड इतने में जब ये बचाने जाते हैं उनको, तो फिर ये गाय फ्रॉम मनाली जो है उनको भी मारने लग जाते हैं एंड ये बताते कि इन्हें बहुत बुरी तरह मारा, इनका जो शोल्डर है वो भी डिसलोकेट हो गया, इवन इनके फोन का भी कैमरा टूट जाता है। बट इसके बाद पुलिस वगैरह इन्वॉल्व होती है एंड वो पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड FIR रजिस्टर करवा देते हैं ये उनके खिलाफ। तो इनकी वीडियो में से छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर इनकी पूरी वीडियो आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट मैं उतरा गाड़ी से, मैं उस बंदे को रोका, मैंने कहा भाई क्या सीन है, लड़ क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो आप इसको। जैसे ही मैं रोकने के लिए गया ना भाई, तीन बंदे थे शायद वो पीछे से लंबे लंबे, उन तीनों ने मेरे को बाल से खींचा है, कुछ नहीं हुआ है, उन बंदों ने मेरे को पीछे से बाल से खींच के नीचे लेटाया है, पूरा घुमाया है, उसके बाद उन्होंने लात हाथों से बुरे हाल से मारा है मेरे को। आप मेरा शोल्डर देख सकते हो, एक्सरे मैंने करवाया हुआ है, सीटी स्कैन मैंने कराया हुआ है, शोल्डर में मेरे क्रैक आया हुआ है, ठीक है। उन्होंने मेरे हाथ में, मेरे पीठ में, मेरी टांग में, सब जगह लातें मारी हुई है। मैंने पीठ में जो साइड बैग पहनता हूँ ना, साइड बैग में उन्होंने लात मारी हुई है भाई। फोन था अंदर वन प्लस का, उसका पूरा कैमरा टूट गया। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान की स्ट्रीम पर एक बहुत ही अजीब चीज हुई, जब वो अपने सेकंड चैनल से स्ट्रीम कर रहे थे तो एक लड़का उन्हें सुपर चैट करता है कि ट्रिगर्ड इंसान अगर उनके चैनल पर रेड करेंगे तो लाइव स्ट्रीम पे अपना सैमसंग A7 को तोड़ देगा। तो ट्रिगर्ड इंसान उस बच्चे पे रेड कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अब तोड़, तो कहता है पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तब करूंगा। तो ट्रिगर्ड इंसान इसको भी मान लेते हैं, तो जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उसके, तो ट्रिगर्ड इंसान बोलते हैं कि अब कर, तो उसके आगे से
आप लोग ये लाइव स्ट्रीम का पार्ट देख लो। वन के हो गए। आ जा भाई, तोड़ो टैबलेट। वो चलता हुआ टैबलेट होना चाहिए। रुक जाना। अरे खराब भी हो। वन के हो गए। आ जा भाई, तोड़ो टैबलेट। इस गन का नाम टैबलेट है। टैबलेट A7 और इसको मैं 1000 की बहुत चला रही है इसकी यार। तोड़ दिया। इसका नाम Samsung A7 टैबलेट और इसको मैंने तोड़ दिया। भाई स्कैम हो गया। वो चलता हुआ टैबलेट होना चाहिए। अरे harmful activities. ये सुनो क्या बोल के गया एंड में भाई। ही सो प्राउड ऑफ इट। ये सुनो कैसा लगा मेरा मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक। जब इसने ऐसे स्कैम सा कर दिया तो फिर लोगों ने उसे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। एंड अगर आप उसके चैनल पे अब जाके देखोगे तो 300 से भी कम सब्सक्राइबर्स बचे, मतलब 700 लोगों ने वापस से अनसब्सक्राइब कर दिया। अगली न्यूज भी ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान ने रेडिट पर एक पेज बनाया था, बट उनको लोग बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे, लिटरली उन्हें बुली कर रहे थे वो पेज डिलीट करने के लिए, तो उन्हें वो पेज डिलीट करना पड़ा। बट इस चीज के ऊपर उन्होंने दो ट्वीट करे, तो वो ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साइबर बुलिंग टारगेटेड हेट ट्रेन रेडिट पेज टू अब्यूज, सो आई मेड अ रेडिट पेज एंड लिटरली गॉट बुलीड टू डिलीट इट एज इफ सम पीपल ओन द साइट। तुझे और तेरी नॉर्मी ऑडियंस को रेडिट बर्बाद नहीं करने देंगे इज व्हाट आई गॉट स्पैम्ड हरास्ड विद। बैम, दे स्पैम्ड NSFW इमेजेस ऑन द पेज डैश लिंक्स अब्यूज टुवर्ड्स मी एंड माय फैमिली एंड व्हाट नॉट, हैड टू अल्टीमेटली डिलीट द पेज। वेरी कूल रेडिट। एनीवे वी विल स्टिक टू ट्विटर ओनली फॉर मीम्स फॉर आवर लाइव स्ट्रीम्स एंड वीडियोस। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा टेक्नो गेमर्स का नवंबर से कोई सरप्राइज आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाया एंड वो तब से ही डिले होता जा रहा है। तो इस चीज के ऊपर टेक्नो गेमर्स ने रिएक्ट करा है, तो वो क्लिप आप लोग देख लो। हाँ, तो सरप्राइज को लेकर भाई इस बार मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, एक्सक्यूज कहा ही जाएगा, बट हमेशा से क्या बोलू मैं, जब भी एग्जैक्ट डेट देता हूँ उस दिन नहीं आ पाता भाई, क्या ही हो जाता पता नहीं। अब पैंडेमिक आ गया भाई, चीज ऐसे डिले हो रही है ना, जो चीज हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उसमें इतनी रुकावट आ जाएगी, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था भाई, वरना मैं कभी बोलता ही नहीं भाई एग्जैक्ट डेट। बट ठीक है, कोई नहीं, मेरे को इस चीज़ को लेकर मैं खुश हो जाता हूँ कि जब वो चीज़ लॉन्च होगी तो आप लोग बहुत खुश होने वाले हो, प्लस आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, प्लस पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का कह सकते हो फ़ायदा होने वाला है बहुत अच्छे से। स्पेशली मैं कोई ऐसे कैटेगरी नहीं बताऊंगा, बट हाँ जब वो लॉन्च हो जाएगा तभी, क्योंकि मैं बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। माइनक्राफ्ट सरप्राइज है तो सीधी सी बात है माइनक्राफ्ट कैटेगरी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि राउंड 2 हेल के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा पिछले काफी टाइम से उनकी नई वीडियो नहीं आई है, बट रिसेंटली उन्होंने अपने व्लॉग चैनल पर एक वीडियो डाली है जिसके अंदर उन्होंने बताया अपनी नई वीडियो के बारे में कि वो कब तक आएगी। ऑल्सो उनका जो वीडियो का टीजर है वो 21 जनवरी को आ जाएगा। तो उनकी वीडियो में से छोटा सा क्लिप आप लोग देख लो। तो कितने दिन में आ जाएगी, देखो लोग हमें गाली दे रहे हैं हम चाहते हैं थोड़ी गाली तुम्हें भी दें, तो तुम बताओ कि कब तक आ जाएगी। बस 3-4 दिन हो। तो भाई सुन लिया, 3-4 दिन और बात बताएंगे कि कब आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि ठगेश के बारे में। तो रिसेंटली उनके साथ एक बहुत ही फनी चीज हुई रिगार्डिंग हिज लेटेस्ट वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पर डाल दिया ऑलरेडी, तो आप उनके मुंह से ही सुन लो कि क्या हुआ था। तो वीडियो एक्चुअली एडिट 5 बजे हो गई थी आज, एंड एडिट करके मैंने एक्सपोर्ट कर दी वीडियो, रेडी हो गई। फिर मैंने सोचा 3 घंटे बचे तो और अच्छे इफेक्ट्स डालू वीडियो में, यू नो, और SFX डाले मैंने, और इफेक्ट्स डाले, मीम्स डाले, सब भर दिया है, मस्त वीडियो कर दी एकदम। फिर 8 बजे वीडियो अपलोड करके जिम चला गया। फिर जिम से आके देख रहा था कमेंट्स में, फिर मैंने वीडियो देखी, मैंने बोला वीडियो में से एडिट्स किधर गायब हो गए, इतने सारे एडिट्स किए थे। बाद में मालूम पड़ा मैंने वो पहले वाली वीडियो अपलोड कर दी और 3 घंटे की मेहनत बर्बाद। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि श्रीमान लेजेंड लाइव के बारे में। तो यार उन्होंने हाइलाइट्स चैनल के लिए एक अपडेट दिया अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इफ यू आर यूजिंग माय वीडियोस कंटेंट ऑन योर चैनल, देन आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट यूज माय रीसेंट कंटेंट अप टू 30 डेज विदाउट माय परमिशन। इफ यू आर स्टिल यूजिंग इट, देन यू आर वायलेटिंग ऑफ द राइट्स ऑफ माय वर्क, इट विल कॉस्ट यू नॉन इन्फॉर्म्ड कॉपीराइट स्ट्राइक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि वजाहत हसन के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली सौरव जोशी ने पीयूष जोशी गेमिंग एक चैनल बनाया पीयूष के लिए। ऑल्सो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही 5 लाख का गेमिंग पीसी भी दिलवाया था पीयूष जोशी को। तो वजाहत हसन अपनी वीडियो में बताते हैं कि उनका जो भांजा है छोटा सा, वो अब जिद कर रहा है पीयूष जोशी की वीडियोस देख देख के कि उसको भी वैसे ही यूट्यूब चैनल खोलना है एंड उसको भी वैसा ही गेमिंग पीसी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरे को पीसी नहीं दिलाओगे, या मतलब कुछ भी नहीं करूंगा जब तक मेरे को आप पीसी नहीं दिलाओगे। तो इस चीज के ऊपर बात करी है वजाहत हसन ने अपनी वीडियो में। तो उनकी वीडियो में से छोटा सा क्लिप आप लोग देख लो, अगर पूरी वीडियो
आप लोगों को देखनी होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। तो सुबह उठ के लेकर रात के सोने तक ये पीयूष जोशी को देखता रहता है। अच्छा, अब इसने आज एक हफ्ते से रट लगा रखी है कि मुझे वो चाहिए कोई पीसी का गेमिंग जिस पे खेलते हैं पीसी वाली। हाँ हाँ। उसके उसने 5 लाख का उसको पीसी दिलाया है तो, और सुबह से मुंह फुलाए बैठा है, कभी रो रहा है, कह रहा खाना नहीं खाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं अब मैं। मेरे ख्याल अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि पीयूष जोशी ने अपना गेमिंग चैनल बनाया है और उसके बाद से ही इसने ये रट लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यार अभी मैं अपील करना चाहता हूँ सौरभ जोशी को, प्लीज आप अपने व्लॉग्स में, मैं जानता हूँ आप तो कहते होंगे कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, मैंने खुद सुना है आपके मुंह से, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है आपसे कि आप प्लीज पीयूष जोशी के मुंह से भी, अपने भाई के मुंह से भी बच्चों को मैसेज दिलवाएं कि भाई पहले पढ़ाई करो और स्कूल में जाओ। मैं आपको ये बात पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर भी कर सकता था, लेकिन यार जब आपके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, मेरे 700K थे, तब आप मेरे मैसेजेस का जवाब देते थे व्हाट्सएप पर, और अब आप जवाब नहीं देते तो मैंने सोचा यहाँ पर तो आप पक्का देख ही लोगे शायद। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि है रजनी चौधरी वर्सेस लक्ष्य चौधरी। लास्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। बट अब रजनी चौधरी ने अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड करी है जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एंड इसके अंदर इन्होंने बताया कि लक्ष्य चौधरी की वीडियो के बाद भी इन्हें बहुत सारा हेट मिल रहा है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव कमेंट मिल रहे हैं, एंड ऑल्सो उन्होंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट कर दी है। तो अगर उनकी वीडियो भी आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।